तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सबसे बड़ी कमेटी झामुमो केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन की अध्यक्षता में रांची के सोहराय भवन में होगी। इस बैठक में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन, सभी सांसद, विधायक और मंत्रियों के अलावा केंद्रीय समिति के सभी सदस्य शामिल होंगे और इस विस्तारित बैठक होने की वजह से झारखंड के सभी 24 जिलों के झामुमो जिला अध्यक्ष, जिला सचिव भी इसमें शिरकत करेंगे। वहीं झारखंड के अलावा झामुमो के बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा कमेटी के प्रतिनिधि मंडल भी इसमें शामिल होंगे और बैठक में देश और राज्य की ताज़ा राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा होगी। देखिए, ये तो हमारा रूटीन ये मीटिंग है, होता ही रहता है बीच बीच में, और बहुत दिनों से बैठक नहीं हो पाई थी। माननीय मुख्यमंत्री जनता के काम में लगे हुए थे, वो क्षेत्रों का दौरा कर रहे थे, नियुक्ति पत्र बांट रहे थे और काम कर रहे थे। तो अभी ये जो मीटिंग है, इससे हमारे जो पदाधिकारी हैं जिला स्तर पर, केंद्र स्तर पर, उनका मनोबल बढ़ेगा और उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि आने वाले चुनाव को ध्यान में रखकर क्या काम हो रहा है, संगठन की क्या स्थिति है, और साथ ही जनता के बीच वो कितना काम कर पा रहे हैं, योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का निर्देश दिया जाएगा। इस तरह से एक पार्टी में जिस तरह से सांगठनिक कार्य होते हैं वही होगा। और सोराय भवन से हमारे सहयोगी अंकुर सिन्हा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अंकुर, आज एमएम कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है, क्या कुछ है इसे लेकर पूरी जानकारी? देखिए, आज झारखंड मुक्ति मोर्चा की कार्य समिति की बैठक है जो कि रांची के सोराय भवन में हो रही है। अब जो है ना, तमाम जेएमएम के जो नेता हैं वो अब सोराय भवन पहुंच रहे हैं और ऐसे में अब से कुछ ही देर में ये जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि सीट की शेयरिंग को लेकर के चर्चा हो सकती है, साथ ही साथ लोकसभा चुनाव को देखते हुए जो है तमाम जो नेता हैं उनसे जो है चर्चा होगी। तो ऐसे में कह सकते हैं जो कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन वो अब से कुछ ही देर में यहाँ पहुंचेंगे और बैठक जो है शुरू हो जाएगी। आपको बता दूं कि अभी फिलहाल जो है राज्यसभा सांसद महुआ मांझी समेत जेएमएम के कई नेता जो है वो पहुंचे हैं और अब से थोड़ी देर में बैठक जो है शुरू हो जाएगी। अहम बात यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के यहाँ पर चर्चा होनी है और आपको बता दें कि जो सीट शेयरिंग की जो बात सामने आ रही है उनको लेकर के चर्चाएं ये जो है वो हो सकती है। सबसे जो है अहम बात है इसमें सीट शेयरिंग में, कह सकते हैं कि 6 सीट जो है वो जेएमएम जो है अपने पाले में रख सकती है और ऐसे में इसी को लेकर के जो है चर्चा जो है वो होगी। और ऐसे में मेरे पीछे सोराय भवन, यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम जो नेता हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के वो पहुंच रहे हैं, मंत्री जो है वो पहुंच रहे हैं और ऐसे में कुछ ही देर में जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन जो है वो पहुंचेंगे जिसके बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। हालांकि अभी फिलहाल जो है मीडिया को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, बैठक के बाद जो है मीडिया को प्रेस ब्रीफ किया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल जो है बैठक जब शुरू होगी तो तमाम जो रणनीति है लोकसभा चुनाव को लेकर के वो तय की जाएगी और जितने भी जो सदस्य है कार्य समिति के वो यहाँ पर अब धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल अंकुर, और कौन कौन से मुख्य मुद्दे हो सकते हैं जो आज के इस बैठक में चर्चा के केंद्र बनेंगे? देखिए, आपको बता दें कि आज का मुख्य मुद्दा जो है वो 2024 का लोकसभा चुनाव है, साथ ही साथ सीट शेयरिंग को लेकर के जो है वो हो सकता है, महागठबंधन को लेकर के कितनी सीट जो है वो बांटी जाएंगी इसके लेकर के चर्चाएं हो सकती है, साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उसे लेकर के, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के तमाम जो यहाँ कह सकते हैं कि योजनाएं हैं उसको लेकर के जो है चर्चाएं हो सकती है, मुख्यमंत्री के कार्यकाल को लेकर के जो है वो चर्चा हो सकती है। तो तमाम बिंदुओं पर आज जो है चर्चा होगी। सबसे अहम बात शेयरिंग है, 2024 का लोकसभा चुनाव है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी अंकुर सिन्हा ने सोहराय भवन से लाइव तस्वीरें हमें दिखाई, अब से कुछ ही देर में इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी। जेएमएम केंद्रीय समिति की बैठक बुलाई गई है, शिबू सोरेन की अध्यक्षता में ये बैठक होगी जिसमें हेमंत सोरेन सहित सभी बड़े चेहरे इस बैठक में शामिल होंगे।